हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो, आज भी मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसे है। उनके स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बात नहीं कर रहे, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या काफ़ी टाइम से आप सेपरेशन में हो, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी रीडिंग। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, ठीक है। और तो ओवरऑल ही देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और क्योंकि क्या होता है, लाइफ में जो चल रहा होता है ना, उसका भी काफ़ी अफेक्ट होता है इंसान के इमोशंस पे। तो इसलिए मैं देखना चाह रही थी कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, वो देख लेते हैं सबसे पहले। बट हर बार की तरह ध्यान रखिएगा, सॉरी पानी पिया मैंने, इट्स अ जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। जो लोग पहली बार ही चैनल पे आए हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको हिंदी टैरो रीडिंग्स देखने मिले चैनल पे। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। किस एनर्जी में है आपके पर्सन, उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है? स्वर्ड नंबर 7, क्लावर 21, नंबर 3 भी हो सकता है, शार्क 35, नंबर 8 एंड 43, नंबर 7 स्पेसशिप, एंड बॉटम डेक में है लेवेंडर 19 नंबर है। तो 10 नंबर या 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी मैं क्लैरिफाई भी करते जाऊँगी, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज़ ना, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें नोटिस हो रही है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके एक हर्मिट मोड में है आपके पार्टनर इस वक्त। दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद themselves, their own life, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे लगता है आपके पर्सन अपने लाइफ में या फिजिकली अपने अंदर काफ़ी बदलाव ला रहे हैं। हो सकता है नया हेयर कलर करा हो या नया हेयर कट किया हो, या उन्हें लग रहा है कि अब मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए। अब ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई सी हियर, दैट दे वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं और वो अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं ऑन ऑल लेवल्स, और मे बी किसी स्पेसिफिक लेवल पे, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है जो इस वक्त जैसे वो अभी है, नीड है बदलाव की, उन्हें लगता है, इट्स देयर थिंकिंग, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, लेकिन मैं जज नहीं करूँगी, लेकिन इट्स लाइक उन्हें लगता है कि वो अभी जहाँ पे है उनके लाइफ में, दे नीड टू चेंज समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे उनकी आउटलुक हो, नज़रिया हो, या उनका फिजिकल लुक्स हो, या उनका सोच हो, जो भी है, ठीक है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। व्हाट इज़ दिस वर्ड ऑल अबाउट? आपके पार्टनर स्वर्ड इस एनर्जी में क्यों है, क्यों चेंजेस और किस तरह के चेंजेस लाना चाहते हैं या ला रहे हैं? 10 of Wands, हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में इन्होंने ज़रूरत नहीं है ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन को एक सिर पे बिठा रखा था, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा सोचना, ऐसे लोगों में रहना जो अच्छाई के बदले लाइफ में टेंशन लाए, ठीक है। हो सकता है कि करियर में भी इन्होंने बहुत काम कर लेना, ओवर काम करना, ठीक है। तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ ऐसी बर्डन्स थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसी बोझ थे इनके सिर पे जिसे ये उतार रहे हैं, ठीक है। कोई कोई लोन हो सकता है, या इनका लाइफ जीने का तरीका हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकती है उनकी, दे आर चेंजिंग दैट, ठीक है। जो भी इनको इनके नज़र में लग रहा था कि ये मेरे लिए सही नहीं है, दे आर जस्ट पिकिंग इट अप एंड पुटिंग इट आउट ऑफ देयर लाइफ, उस चीज़ को उठाकर अपनी लाइफ से कर रहे हैं बाहर, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस पर्सन के अंदर ना कुछ गिल्ट है,
चाहे वो आपको लेकर हो, चाहे उनके लाइफ में किसी और चीज़ को लेकर हो, कुछ गिल्ट है जिससे ये किसी से बात करके, कोई थेरेपी लेके, किसी से शेयर करके उसे रिलीज़ कर रहे हैं। किसी तरीके से ये पर्सन अपने अंदर का गिल्ट निकाल रहे हैं बाहर। ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन अपने अंदर कुछ बदलाव ला रहे हो, किसी के लिए हो सकता है किसी से सॉरी बोल के अपने गिल्ट को निकालना चाह रहे हो, किसी के लिए हो सकता है कि थेरेपी ले रहे हो, किसी काउंसलर से मिल रहे हो, या किसी दोस्त से अपनी बातें शेयर कर रहे हो। सो दे आर रिलीजिंग देयर गिल्ट। अब गिल्ट मुझे नहीं पता किस चीज़ का, लेट्स सी व्हाट इज दिस रिलीज योर गिल्ट ऑल अबाउट। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है और जो टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी ना, वो एरीज लियो सैगिटेरियस है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अभी, अगर ये ऐसे फैमिली में रहते थे जहाँ पे इन्होंने अपने बारे में ही सोचा सिर्फ, कभी भी फैमिली की केयर नहीं करी, कभी भी आपकी केयर नहीं करी, कभी भी जिनके साथ वो काम करते थे उनकी केयर नहीं करी, सिर्फ अपने बारे में सोचा, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे सही बिहेव नहीं किया, हमेशा इनका बिहेवियर गलत रहा, हमेशा इन्होंने अपने बारे में सोचा, सेल्फ फोकस्ड रहे, सेल्फ सेंटर्ड रहे, जहाँ पे प्यार के बारे में सोचना चाहिए था, रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए था, वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचा, जैसे फ्रेंड्स, दोस्त, यू नो। तो इन्होंने, इनको इसी चीज़ का गिल्ट है कि आपको इन्होंने संभाल के नहीं रखा, या ऐसे चीज़ों को अपने लाइफ में इन्होंने तवज्जो नहीं दिया जिसे देना चाहिए था। ओके, सो दैट दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करना चाह रहे हैं जो इनके लिए अच्छे नहीं है। ऐसा होता है, कुछ थर्ड पार्टी भी ऐसी होती है, या कुछ दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, हमें ग्रो नहीं करने देते लाइफ में, सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, उनकी जो ख्वाहिशें हैं या उनका थॉट प्रोसेस है वो हम पे थोपते हैं। तो अब क्या हो रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ लोग उनके लिए अच्छे नहीं हैं, कुछ दोस्त, कुछ जॉब, कोई सिचुएशन, कोई फैमिली मेम्बर। ठीक है, व्हाट इज़ दिस स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है इनके घर में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में इन्होंने बहुत सोचा, या जिनके लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन जो दिखाया गया प्यार या अपनापन वो झूठ था। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इनके फैमिली से जलते थे, या इनके फैमिली के अगेंस्ट थे, ठीक है, या आपके रिश्ते के अगेंस्ट थे कुछ लोग। आपकी लाइफ बहुत स्टेबल थी, आपकी लव लाइफ स्पेशली बहुत ही स्टेबल थी, बहुत ही हैप्पी थी, आप दोनों बहुत हैप्पी थे एक दूसरे के साथ, बट इन्होंने किसी और की बातों में आके इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, या बाहर के किसी के बातों में आकर इन्होंने आप पे डाउट किया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से अपने आप को अब दूर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन अब वो चीज़ करने से नहीं डर रहे जो ये हमेशा से करना चाहते थे। कोई हॉबी हो सकती, कोई पैशन हो सकता है जिसे ये अब फॉलो करना चाहते हैं। पहले डरते थे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, अगर लोग ये कर रहे हैं तो मैंने भी यही करना चाहिए, बट नाउ दे आर लाइक नहीं, मुझे अब वही करना चाहिए जो मुझे पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों के कल्चर्स अलग है या रिलीजन अलग है और वो आपसे बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने अगर इसलिए छोड़ा था आपको कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो अब वो उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहते। दे वॉन्ट टू डू वॉट दे लव। अब वो वही करना चाहते हैं जो वो करना चाहते थे हमेशा से ही। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब वो ग्रोथ चाहते हैं, वो समझ चुके हैं कि लोग नहीं आएंगे, लोग उन टाइम पे नहीं आएंगे जहाँ पे हमें प्यार की ज़रूरत होगी, लोग उस टाइम पे नहीं आएंगे जहाँ पे हमें हमारा करियर रुक जाएगा, लोग उस टाइम पे नहीं आएंगे जहाँ पे हम भूखे होंगे, हमारी फैमिली किसी प्रॉब्लम में होगी। तो समझ रहे हैं, एक मैच्योरिटी आ रही है, एक उनके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो ऐसे लोगों से अपने आप को अभी घेरे रख रहे हैं जो उनके लिए अच्छे हैं, जो उनसे सच में प्यार करते हैं, या जिनसे वो प्यार करते हैं, जैसे उनकी फैमिली, उनके कुछ दोस्त जो जेन्युइनली उनकी केयर करते हैं, जैसे आप। अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं अगर आप उनसे सच में प्यार करते हो, या उन्हें अगर ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यार वो इंसान सच में मुझसे प्यार करता था, तो वो आपसे अपने आप को घेरे रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से घेर के रखना चाहते हैं जो उनसे प्यार करते हैं।
बॉटम डेक में है सिक्स ऑफ कप्स, आपको बहुत याद कर रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं इनके जिनसे उन्होंने दूरी बनाई थी, जिनसे वो दूर कट गए थे, अब वो उनसे भी क्लोज होना चाहते हैं, उनके भी करीब आना चाहते हैं, बिकॉज दे मिस एवरी वन जिन्होंने उन्हें प्यार दिया है, जैसे उनमें से एक आप हो। पास्ट लाइफ जो थी ना आप दोनों की एक दूसरे के साथ, वो उसे बहुत मिस कर रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स सी उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, ओवरऑल उनके लाइफ में उनकी एनर्जी किस तरह की है। पहला जो कार्ड यहाँ पे निकल के आया है वो है इम्प्रिजनमेंट, नंबर 29। तो नंबर 11 या नंबर 2 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। चाइल्ड नंबर 18, तो नंबर 9 या नंबर 18 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। लवर्स नंबर 15, तो नंबर 6 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। और जो लास्ट कार्ड है वो है नंबर 26, जो कि होता है 8, ग्रेट फॉर्च्यून। और बॉटम डेक में है 37, 10 नंबर, 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है पावर्टी। ओके सबसे पहली चीज़ ना, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे जो अच्छी चीज़ें थी ना उनके ज़िंदगी में, जैसे आप, अच्छे दोस्त, अच्छे फैमिली मेम्बर्स, उन सबको उन्होंने गंवा दिया अपने ही वजह से। वही गलत थे, उन्होंने अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पे वो अब ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। लिटरली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे वो बंद है और अब वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड, दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, दे आर फीलिंग वेरी, मतलब एकदम बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, एंड दे डोंट फील गुड अबाउट इट। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अपने हाथों से ही उन्होंने ये सिचुएशन अपने ऊपर लाई है, प्यार को रिजेक्ट करके, आपको रिजेक्ट करके। लेट्स सी व्हाट इज दिस इम्प्रिजनमेंट ऑल अबाउट। सोच नहीं पा रहे ये पर्सन क्लियरली, जितना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, ओ माय गॉड, सेम कार्ड आया है, ऑलमोस्ट द सेम। तो ये पर्सन बहुत ट्रॉमा में है, रात को सो नहीं पाते हैं, पॉजिटिव सोचने की बहुत कोशिश करते हैं बट बार बार कुछ चीज़ें याद आती है जो इन्हें नेगेटिव कर देती है। नाइटमेयर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इनके, हेल्थ इश्यूज भी मुझे लग रहा है चल रहे हैं, रात को स्पेशली सो ना पाना। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन लिटरली उनके विचार, उनके थॉट्स, गिल्ट, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी दिख रहा है यहाँ पे आपसे बुरा करने का या उन लोगों से बुरा करने के बारे में जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो चीज़ें खाए जा रही है उन्हें, उनको, उनकी नींद उड़ गई है लिटरली। मुझे ये भी लगता है किसी किसी के केस में इस पर्सन का कुछ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जैसे निकल के आए ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनकी चाइल्डहुड कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है। या तो ये जब छोटे थे, इनके जो इनके माता पिता के साथ इनका रिश्ता, तो वो इतना ट्रोमैटिक रहा होगा या अब्यूज़िव रहा होगा या कुछ ऐसा हुआ है ना पास्ट से, इनको प्यार नहीं मिला या इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेट्स सी क्या है ये चाइल्ड। वो अपने अंदर के बच्चे को जगाना चाहते हैं, लाइफ खुल के जीना चाहते हैं बट वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, व्हाई इज दिस चाइल्ड हियर, थ्री ऑफ कप्स। ओके यस, मैंने बोला ना ये पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं, अपने अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ दिस पर्सन डजंट वांट टू लीव इन एनी ट्रॉमा, ये किसी भी टेंशन में अब नहीं रहना चाहते, अपने आप को हर गिल्ट से, हर पछतावे से, हर प्रॉब्लम से, हर पास्ट सिचुएशन से रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है, उनको खुद को ही ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। ओके, आई ऑल्सो सी ए पर्सन स्पेशली प्यार के तरफ मुड़ रहे हैं, इनका जो ध्यान है, इनका जो खिंचाव है वो प्यार के तरफ हो रहा है। दे वॉन्ट लव, दे नीड लव, वो आपको प्यार देना भी चाहते हैं और प्यार लेना भी चाहते हैं आपसे। लेट्स सी व्हाट इज दिस लवर्स हियर। द स्टार, अब उन्हें इस रिश्ते में स्कोप नज़र आ रहा है, अब ये रिश्ता उन्हें इंस्पायर कर रहा है, उनके अंदर एक होप है, एक उम्मीद है और आप इनकी उम्मीद हो। ये प्यार, ये मतलब उन्हें लिटरली एक शब्द में अगर बोला जाए ना, ओवरऑल अगर एक एनालिसिस करूँ मैं, अकल आ चुकी है, अकल ठिकाने आ चुकी है इस इंसान की। प्यार कितना ज़रूरी है, रिश्ते कितने ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें इनको अब समझ आ रही है, इनकी आँखें खुल रही है लिटरली। ठीक है,
एंड आप, मुझे लगता है आप लिटरली विश मांग रहे हो इस पर्सन के लिए, आप इनके लिए अच्छा ही मांग रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग जो इस पर्सन के अंदर आपके लिए और प्यार जगा रहा है, ठीक है, और आप इनकी लास्ट होप हो, आपने इस पर्सन को मुझे लगता है कि प्यार का मतलब सिखाया है, यू आर अ शाइनिंग स्टार इन दिस पर्सनस लाइफ, आप एक अंधेरे से उजाले में ले आने वाले पर्सन हो इनके लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये अपने लाइफ में, क्योंकि ये सही रास्ते पे है, जब इंसान सही रास्ते पे आ जाता है ना, तब वो ग्रेट फॉर्च्यून यानी अबंडेंस, एक अच्छे मतलब एक जैसे नसीब खुल जाना, नसीब का ताला खुल जाना, ऐसा कुछ इस पर्सन की लाइफ में होने वाला है। व्हाट इज दिस ग्रेट फॉर्च्यून ऑल अबाउट? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बीमारी थी, कोई मेंटल स्ट्रेस था, कोई कुछ भी था जो इन्हें तकलीफ दे रहा था, दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट, ठीक है, जितना इस पर्सन ने भी सहा है, ठीक है, वो सब मुझे लगता है कि उस सब से ये पर्सन बाहर निकलेंगे, दे आर गोइंग टू विन इट ऑल, ठीक है, अब ये पर्सन लिटरली जैसे वो होता है ना कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस, एक बहुत ही बुरे सिचुएशन से खुद को निकालना या निकल के आना, ऐसा ही कुछ अब इनके लाइफ में होने वाला है, ठीक है, ओके, आपके रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं अभी क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। पहला कार्ड जो है वो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ट्रस्ट, सोलमेट, एक्सप्रेस योर लव, एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है रिट्रीट। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही जल्द एक बहुत अच्छा समय बिताओगे, या आपको डेट पे ले जा सकते हैं, या कहीं ऐसे जगह पे आप जा सकते हो जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हो, दुनिया से कट के एक दूसरे को वक्त दे रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया करते थे इस रिश्ते को, आपको कभी भी सीरियसली नहीं सोचा, कभी भी सीरियसली नहीं लिया कनेक्शन को, ओके, कुछ लोग थे जो रिश्ते को ख़राब कर रहे थे, आपने कई बार वॉर्न किया इस पर्सन को कि तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं नहीं रहूँगी या मैं छोड़ दूँगा, जो भी है, बट इस पर्सन ने कभी भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। लेट मी सी व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, एक जैसे आंखों पे पट्टी लगा के बैठे थे ये इंसान, या किसी के इन्फ्लुएंस के नीचे थे, कुछ लोग थे जो इनको गलत सलत राह पे ले जाते थे, गलत सलत सोच विचार इनके दिमाग में भरते थे, और ये भी कान के कच्चे थे, किसी की भी बात सुन लेना, किसी की भी बातों में आ जाना, और आप पे भरोसा ना करना, रिश्ते पे भरोसा ना करना, वो सारे जो भ्रम थे ना इस इंसान के, वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इनको अब रियलिटी समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ें हुई तो क्यों हुई, किन लोगों की वजह से हुई, ठीक है, अगर आप पे भरोसा नहीं था तो आप पे इन्होंने भरोसा ना रखने की वजह को ये टटोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, आप इस इंसान पे ना आंखें बंद करके कभी भी विश्वास मत करो, कीप योर आइज़ ओपन, जो है जैसा है चीज़ों को उस तरह से ही देखो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब इस रिश्ते पे भरोसा कर रहे हैं, ओके, जो विश्वास इनका नहीं था अबाउट दिस कनेक्शन, खो चुके थे, फ्यूचर नहीं है, फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये वो, इट्स ऑल ओवर नाउ, ठीक है, अब ये हिम्मत कर रहे हैं, अब ये भरोसा कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस ट्रस्ट ऑल अबाउट? सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। देखिए, मुझे डेफिनेटली लगता है कि अभी आएंगे आपके पास और कुछ ऑफर करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, आपको सॉरी बोलने का कोशिश करेंगे, लिटरली अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड दे विल वांट टू, मतलब ये पुराने दिन वापस चाहेंगे आपके साथ। मुझे आप दोनों पुरानी रिश्ते में जाते हुए दिख रहे हो वापस एक दूसरे के साथ। ऑल्सो ये एक सोलमेट कनेक्शन है काफ़ी लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन फॉर अ लॉट ऑफ यू, काफ़ी लोगों के लिए। व्हाट इज़ अ सोलमेट ऑल अबाउट? एंड ये चीज़ ना आपके पर्सन को अब समझ आ रही है, ठीक है, यस, आपने लिटरली अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है, ओके, किसी भी टेक्निक, आई डोंट नो विच टेक्निक और व्हाट यू आर यूजिंग, बट आपने अपने सोलमेट को लिटरली अपने लाइफ में बुलाया है, मैनिफेस्ट किया है, और इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि आप इनके सोलमेट हो, कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए मैं इस रिश्ते से नहीं जा पा रहा हूँ, और मुझे अब इस रिश्ते को कंट्रोल करना है, ठीक करना है,
अब इस रिश्ते को जो बिगाड़ा है मैंने खुद, अब इस रिश्ते को मुझे ठीक करना है, ठीक है। आई ऑल्सो सी आपके पर्सन अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे, इतना एक्सप्रेस करेंगे कि जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा मीठा खा लेना, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पचाना, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके, रोमांटिक इनके जो जेस्चर्स होंगे वो बहुत रोमांटिक होंगे, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा टावर, क्योंकि एक लंबे समय बाद मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था एंड सब कुछ बहुत ख़राब हो गया अचानक से, एंड नाउ दे वांट टू मेक इट राइट, अब वो इसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए व्हाट गुड योर आपके लिए देखते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में, क्या मैसेज है। दो ही कार्ड्स निकालूंगी, एक्शन। तो अगर आपको लगता है कि बहुत वक्त हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकती या रुक सकता, इट्स हाई टाइम मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ, तो ले लो, ठीक है। क्योंकि या तो इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्द एक्शन आने वाला है या आपको एक्शन ले लेना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो है रिलैक्सेशन, तो बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, काम डाउन करिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। शांति रखिए, वक्त से आगे भागना छोड़ दीजिए, कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, अपने अंदर जितना पीसफुल रहोगे चीज़ें धीरे धीरे उतनी बेटर होती जाएगी। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से, व्हाट दे वांट टू से टू यू। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, तो वो विश कर रहे हैं या वो लिटरली चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ होने चाहिए थे अभी। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैड हैपन टू मी, तो आप उनके लिए, आप उनके लाइफ में एक सबसे ऐसी बेस्ट चीज़ हो जो उनके साथ हुई। आई वॉन्ट टू किस यू, तो आपको किस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, तो आपके साथ बच्चे चाहते हैं। एंड आई वॉन्ट टू मीट यू, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, तो अभी ये नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए थोड़ा डर रहे हैं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट, तो आपने के साथ जो भी किया है ना इनके साथ उनको बुरा लग रहा है। कर्मा इज बिच, आई फाइनली गॉट माइन, तो इनको कुछ कर्मा मिल चुका है अपना। यू आर स्पेशल टू मी, तो आप इनके लिए बहुत स्पेशल। और आखिरी मैसेज है आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, तो इनको थोड़ा और वक्त चाहिए सब कुछ फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। सो दैट वॉज इट, कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।